तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट, या बोल सकते हैं कमाल के हिडन फीचर, हिडन टिप बताने वाला हूँ। अगर आपने अपने मोबाइल में सेटिंग में देखा होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको एक डिवाइस केयर वाला ऑप्शन या एक फीचर मिलता है जिसके अंदर कमाल की हिडन सेटिंग होती है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है अपने मोबाइल को गियर करने के लिए। तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस टेक में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको बताना हूँ डिवाइस केयर के कमाल के हिडन फीचर के बारे में, जो कि बहुत ही यूजफुल है अपने मोबाइल को अच्छे से केयर करने के लिए। तो उसके लिए जाना है यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ जाना है डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मैं कमाल का हिडन फीचर ये बता रहा हूँ कि आप डिवाइस केयर, मतलब कि पूरे डिवाइस को जो इसने केयर किया, एनालिस किया है, उसकी रिपोर्ट देख पाएंगे और बहुत ही अच्छे से उसको रिलीज भी कर सकते हैं। यहाँ जाना है आपको इसके अंदर। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे ऑप्टोमाइजेशन पे, जैसा कि दिखा रहा है लास्ट ऑटो ऑप्टोमाइज क्लीनिंग है 16 आवर एगो। जैसे ही आप क्लिक करके देखेंगे तो ऑटो ऑप्टोमाइज जाके ये ऑन हो गया है। और ये काम कैसे करता है, ऑटोमेटिक मोबाइल को रिस्टार्ट करता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लीनिंग करता रहता है, ऑटो मेमोरी को क्लीन करता है, जिससे आपका मोबाइल स्मूथ चलता रहे ऑटोमेटिक। तो आपको इसको ऑन कर लेना है अगर ऑन नहीं है। लास्ट ऑटो स्टार्ट पे जाएंगे, ऑटो स्टार्ट मतलब कि बैटरी हमेशा मेरी नाइट पे डाउन हो जाती है, इसलिए ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब भी आपकी बैटरी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, तो आपको इसको भी ऑन करके रखना है। साथ में आप नीचे देखेंगे ऐप पुट इन डीप स्लीप। 27 ऐसे इश्यूज हैं कि ऐप्स को डीप स्लीप में डाल दिया वेवकॉम। ये जो ऐप्स हैं इनको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो सबको उसने अनयूज़ पे डाल दिया है, ताकि आपके मोबाइल की स्टोरेज बची रहे, रैम बची रहे, फालतू की नोटिफिकेशन नहीं आए, आपको वहाँ पर यूजली अपने मोबाइल को यूज़ कर सकें। उसके साथ अनयूज्ड ऐप 26 ऐसी ऐप्स हैं जिसको मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ पर इंस्टॉल कर रखी हैं। तो आपको वो सजेस्ट कर रहा है कि भैया आप इनको अनइंस्टॉल कर दो या कुछ ऐसा करो कि इनको यूज़ करना चालू करो, ये आपको बताता है। उसके बाद है ऐप इश्यूज़, कुछ ऐसी ऐप इश्यूज़ जो कि आपके मोबाइल में यहाँ पर दिख रही है, तो मतलब कि उस ऐप में कोई दिक्कत है और आपके हम मोबाइल को हार्म कर रही है, तो आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर यूजफुल है तो अपडेट कर लेना, नहीं तो अनइंस्टॉल करोगे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज अलर्ट। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको अलर्ट दिखता रहेगा। मैं नहीं करता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। ओवरऑल इसका मतलब यह है कि ये पूरी डिवाइस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और अगर आपके पास ऑप्टिमाइज वाला फीचर ऑन नहीं है तो कैसे ऑन करें, तो उसके लिए जाना है आपको ऑटो ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद ऑटो रिस्टार्ट वाले को ऑन कर लेना है, रिस्टार्ट व्हेन नीडेड पे क्लिक कर देना है, और रिस्टार्ट अगर शेड्यूल कर देंगे तो ऑटोमेटिक उस टाइम ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो आप इसको रिस्टार्ट व्हेन नीडेड पे क्लिक कर दो, जब उसको दोगे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसको ऑन करके रख लेना है। तो ये बहुत काम का फीचर है ना, इसको ऑन करके रख लो, उसके वजह से आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आप ऐप प्रोटेक्शन पे जाएं, तो यहाँ जाके आपको क्या करना है, ऐप प्रोटेक्शन की सेटिंग्स पे जाके आपको क्या करना है, डिवाइस प्रोटेक्शन की सेटिंग में जाके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस केयर की अबाउट में जाने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, हमेशा सिक्योरिटी को, इंजन को भी चेक करते रहना है अपडेट, नहीं तो क्या रहता है, सिक्योरिटी इंजन ऑटो अपडेट नहीं होती, उसको मैनुअली ही चेक करना रहता है। तो आपको इसको अपडेट करते रहना है, जिससे आपके मोबाइल की सिक्योरिटी इन्हांस होती रहे, कुछ नया ऐसे कुछ चीज़ है या नहीं, कुछ अपडेट हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटी इंजन अपडेट करके आपको मैसेज आ गया होगा। तो यही थे कुछ हिडन टिप्स जो कि मैंने आपको डिवाइस केयर की बताई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लेना। थैंक यू।